कमलनाथ सरकार के नए लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री तथा सांवेर के विधायक तुलसी सिलावट का यह कहना है कि मुझे आम आदमी की सेवा का अवसर सरकार ने दिया है और अब उनकी पहली चिंता यही है कि आम आदमी के स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उनकी हो गई है। वे इस कोशिश में भी रहेंगे कि आम आदमी की जेब न कटे। उनका यह भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य के बुरे हाल हैं उसकी तरफ भी वे ध्यान देंगे। उल्लेखनीय है कि इंदौर में दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री का पद किसी विधायक को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में महेंद्र हार्डिया भी स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किए गए थे और उस दौरान महेंद्र हार्डिया द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए। अब कांग्रेस शासन काल में पहला मौका तुलसीराम सिलावट को दिया गया है, जो कि जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि उनका जीवन बेहद गरीबी से शुरू हुआ है और वे खुद सब्जी बेचते थे और वे आम आदमी के दर्द को भी समझते हैं। उनका यह भी कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब आम आदमी के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। उनका यह कहना है कि सरकारी अस्पतालों को ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जाना चाहिए ताकि प्राइवेट अस्पताल वाले आम आदमी को लूट न सके। उनका यह भी कहना है कि अस्पतालों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।